First, I'm writing the name of the student. I'm writing a number, and then we will be doing these. Name the biologist that the name of the name the biologist who established that pathogen is a disease causing agent. कौन से उसने साइंटिस्ट ने एस्टेब्लिश किया था कि पैथोजन एक डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है. मैम एडवर्ड जेनर. मैम रॉबर्ट कोच. हाँ तो आपका दो आंसर्स आए हैं, उसमें से एडवर्ड जेनर बेटा उससे रिलेटेड है. इट इज रिलेटेड विद द वैक्सीन. आई टोल्ड यू वैक्सीन सबसे पहली एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, एंड इसीलिए एडवर्ड जेनर वैक्सीन से रिलेटेड है. रुडोल्फर को आपको पता है कि सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट रुडोल्फर को नहीं दिया था. रॉबर्ट ब्राउन आपको पता है न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. तो एक ही आंसर बच गया फिर, रॉबर्ट कोच. जब आपको, अगर मान लो आपके लिए कोई नया क्वेश्चन होता है तो आप क्या करा करो, अनरिलेटेड ऑप्शंस को आप डिलीट कर दिया करो, एलिमिनेट कर दिया करो. उसके बाद आपका जो सही आंसर है वो आ जाता है. इज इट क्लियर? यस मैम. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फास्ट फूड शुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड टू अ बैलेंस्ड डाइट. इसमें से सेकंड क्वेश्चन का बताना है आपको कि फास्ट फूड बैलेंस डाइट से क्या होता है रिलेटेड, क्या चीज इनकरेक्ट है इन स्टेटमेंट में से, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. मैम फर्स्ट वन. ओके, फास्ट फूड को हम प्रेफर नहीं कर सकते बैलेंस डाइट से. आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट. आयोडीन टेस्ट क्या चीज डिटेक्ट करती है? मैम कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट. आप ही को क्वेश्चन रीड करना है. आप में से जो भी बच्चा जिस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है उसे रीड करो और आंसर दो. बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी साउंड हो रही है मार्च पास्ट की, तो इस वजह से आप लोग रीड करो. आपको स्क्रीन शेयर्ड है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमांशी थर्ड का आंसर देना चाहती है तो हिमांशी रीड कर लेगी और उसका आंसर खुद देगी. ठीक है, जो जिसको आता है वो बच्चा वो वाला रीड करेगा और आंसर देगा. अब थर्ड क्वेश्चन है आयोडीन टेस्ट के बारे में. आयोडीन टेस्ट क्या चीज डिटेक्ट करता है, किस चीज की प्रेजेंस डिटेक्ट करता है? तो कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर. आई विल टिक ऑन द कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट बच्चा जिसको जो आंसर आता है वो वाला बोलेगा. ठीक है मैम, मे आई? हाँ, क्वेश्चन भी रीड करना है एंड उसके बाद आंसर भी खुद ही देना है. नेम द विटामिन अबंडेंटली प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट एंड द करेक्ट आंसर इज विटामिन सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आप अपने आप ही कोई और नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो. करो जल्दी जल्दी करो इसको. Yes, question number 5. Who will give the answer of question number 5? In which of the following cases you will
which the following cases do you think the long term effects on your health are likely to be most unpleasant? And the correct answer is if you get acne. Okay. And your health are likely to be most long term effect. In which of the following case do you think long term effects on the health are likely to be most? मतलब acne से तो नहीं होगा बेटा, मतलब सिर्फ मुहासों से आपकी हेल्थ पे ज्यादा असर थोड़ी होगा। ये बोल रहा है बहुत लंबे समय तक हेल्थ खराब रहेगी, अगर ऐसी कौन सी बीमारी है अगर जब हो गई तो लॉन्ग टर्म। जॉन्डाइस। हाँ ठीक है, एक्ने तो नॉर्मल स्किन की वो हो जाते हैं जो पिंपल्स हो जाते हैं उनको कहते हैं एक्ने तो, और इसमें से जॉन्डिस जो होगा वो होगा। और लाइस क्या होती है, जुए, बालों में जो जुए पड़ जाती हैं उनसे उन्हें भी साफ किया जा सकता है। एक्ने भी धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, मुहासे आना कम हो जाता है, स्किन क्लियर हो जाती है। समझ रहे हो? मैम इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यस टेल मी, रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक डिजीज? कोल्ड अस्थमा, डायबिटीज, बोथ अस्थमा एंड डायबिटीज। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ asthma and diabetes. Okay, Arpit has given answer both asthma and diabetes. It's correct. क्योंकि दोनों chronic हो जाती हैं ये बाद में जाकर। Seventh का question दे नहीं रखा है। During lactation, during sleep, during studies, in the morning, तो हम इसको नहीं करेंगे। पता नहीं अभी don't know के क्या question था ये। Eighth. Eighth कौन पढ़ेगा? Who will read and will give the answer? May I? Yes, you can give. To take sufficient carbohydrate, one should take. Options are rice, carrot, groundnuts, meal. And the correct answer is rice. Okay. So, carbohydrate को लेने के लिए हमें इनमें से क्या खाना चाहिए? Rice, carrot, groundnut, meal. क्या लेना चाहिए? तो राइस बताया है, राइस में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, सही है ये। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नाइन्थ क्वेश्चन? फाइंड द करेक्ट पेयर ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स इंग्रेडिएंट एंड द करेक्ट आंसर इज शुगर, इंसुलिन। करेक्ट प्रोडक्ट एंड इट्स इंग्रेडिएंट, इन प्रोडक्ट एंड इट्स इंग्रेडिएंट। इसमें होल ग्रेन ब्रेड, ये होल ग्रेन ब्रेड रफेज देगा, शुगर इंसुलेशन देगी, बटर प्रोटीन देगा, एग्स एनर्जी देंगे। तो इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है? सेकंड वन। आपको सेकंड लग रहा है पर बाकी फर्स्ट वन, बाकी सब क्या है? इनकरेक्ट है। चलो सेकंड लगा देते हैं फिर देख लेंगे, क्योंकि हम इसमें जब सबमिट करेंगे तो हमें आंसर्स भी मिलेंगे सही। अब हम टेंथ का आंसर देखें। विच पैरामीटर टू हेल्थ आर डिफिकल्ट टू मेजर? कौन से पैरामीटर हेल्थ के हम नाप नहीं सकते? मैम सोशल वेलबींग। हाँ जी मैम, सोशल वेलबींग। ओके Which parameter health difficult to measure? Social well-being, mental health, physical health, both physical and mental health. हम क्या चीज अच्छे से नहीं नाप सकते? Social well-being हम सही से नहीं नाप सकते, ये आपका आंसर है। तो मैं इसे सबमिट कर रही हूँ, अब मैं इसके आंसर्स चेक करूंगी। Name the biologist that established that pathogen is a disease causing. मैम रॉबर्ट कोच। कोच इसे पुट करते हैं, सबमिट करते हैं। अभी भी एक आंसर पर इसका हमें क्वेश्चन, देयर इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, हम स्लीप लगा देते हैं। जब ये कह रहे हैं सारे आंसर होने चाहिए इसलिए हम इसे सबमिट करते वक्त स्लीप लगा देते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हमारे ठीक थे। तो फर्स्ट आंसर हमारा ठीक है, रॉबर्ट कोच ही है जिसने ये बताया था कि पैथोजन से ही बीमारी होती है। सेकेंड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढनी थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी। तो फास्ट फूड शुड ऑलवेज बी प्रेफर टू बैलेंस डाइट, इसकी जगह इन्होंने कहा, इनकरेक्ट बोला है कि
प्रोटीन्स गिव मोर एनर्जी देन गिवन बाय फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, जबकि प्रोटीन में थोड़ी कम एनर्जी होती है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट में. इसने बोला प्रोटीन ज्यादा एनर्जी देता है, तो कंपेयर टू फैट सबसे ज्यादा एनर्जी फैट्स ही देते हैं, सेकेंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, थर्ड नंबर पे प्रोटीन्स. तो ये इनकरेक्ट है. आयोडीन टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, ये करेक्ट है. नेम द विटामिन अबंडेंटली प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी, करेक्ट है. In which of the following case do you think the long-term effects on your health are likely to be unpleasant? Jaundice हो जाएगा, तब ज़्यादा दिनों के लिए बीमार रहेंगे. Which of the following is or are rare chronic diseases? Both asthma and diabetes rare or chronic diseases हैं. Seventh का during lactation बताया है. And take sufficient carbohydrate. One should take, अगर ज़्यादा carbohydrate चाहिए तो लोगों को क्या चाहिए होगा? They should have rice sufficient carbohydrate. Incorrect pair is mein kya hai? Whole grain or roughage hai. Incorrect pair is the whole grain or roughage. Sorry. Ye correct answer hoga. Correct pair hoga. And then next is, which of the parameters to health are difficult to measure? Kaun si cheez hum naap nahi sakte, both physical and mental well-being hoga. हम इनको नहीं नाप पाते हैं, फिजिकल और मेंटल वेलबींग को. Now we will be doing Now we will be solving the leftover questions which were there. ठीक है, और हम दूसरे questions भी देख लेते हैं. We can see another questions as well. तो हमारा चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, इसके हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देख सकते हैं. सो दीज आर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, तो सबने करी हुई हैं, पर फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं. स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ऐसी कौन सी दो कंडीशन है? यहाँ चार दी हुई है, इनमें से कोई भी दो आप लिख सकते हो. तो वॉट इज द आंसर? गुड सोशल इन्वायरमेंट, पब्लिक क्लीनिनेस, गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड अर्निंग्स, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी, दीज आर द टू कंडीशन फॉर एसेंशियल गुड हेल्थ. क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम. ओके, सो आई वॉन्ट यू टू रीड इट बेटा, बिकॉज यहाँ पर साउंड है. तो कोई भी एक बच्चा एक एक करके, हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो, एक एक करके खुद से ही एक क्वेश्चन पढ़ो, फिर नेक्स्ट को चांस दो, फिर मैं आगे स्क्रॉल कर दूंगी, बिकॉज आई एम एबल टू लिसन टू यू. स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज. आंसर इज, द कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीजेस आर, फर्स्ट, having good food means balanced diet, second, personal and public hygiene maintenance. So there are two conditions, having good food, balanced diet, that means second is personal and public hygiene. ये दोनों होनी चाहिए, तभी हम free of diseases हो सकते हैं. अब third question. Anyone else will read the third question and give the answer?
Are the answers to the above questions necessarily the same or different? Why? Solution. The answers are not same all the time because the meaning of health varies from person to person. For example, good health for a dancer may be being able to stretch his body into difficult but graceful positions. On the other hand, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control his or her voice. There is one similarity in both the cases. If the conditions essential for good health are maintained, then the chance of getting any disease is zero. गुड. तो यहाँ पर बताया है दोनों के मीनिंग सेम इसी वजह से नहीं है, बिकॉज गुड हेल्थ का किसी डांसर के लिए मतलब हो सकता है क्या वो अपने हाथ पांव को अच्छे से ग्रेसफुल पोजीशन में स्ट्रेच कर पा रहा है. वहीं पर गुड हेल्थ का मीनिंग किसी म्यूजिशियन के लिए हो सकता है कि उसके लंग्स अच्छे हों, उसमें सांस अच्छी आए ताकि वो अच्छी वॉइस बना सके. देयर इज वन सिमिलैरिटी दोनों केसेस में है गुड हेल्थ की. If the conditions are essential for good health are maintained, then the chance of getting disease is zero. अगर health की condition अच्छी होगी तो उन्हें कोई diseases नहीं होंगी. Question number one, list any three reasons why do you think that you are sick and ought to see a doctor. If only one symptoms are present, would you still go to the doctor? Why or why not? Means अगर इनमें से कोई एक ही symptom आता तो भी क्या आप doctor के पास जाते, क्यों और क्यों नहीं? आंसर पढ़ो, कोई एक बच्चा इसका आंसर रीड करो. When there is a disease, its symptoms and sign appear. These symptoms may be headache, cough, loose motions, wound with pus, etc. These symptoms indicate disease but do not tell what the disease is. So it is advisable to go to the doctor to diagnose any sign of a disease on the basis of these symptoms. The doctor will get laboratory test done if required for the confirmation of a particular disease. तो जब भी कोई disease होती है तो उसके symptom और sign आते हैं. ये symptom headache हो सकते हैं, cough, loose motion हो सकते हैं, wound हो सकता है, कहीं पर pus पड़ रहा हो सकता है. और ये symptoms indicate करते हैं disease को, but do not tell what is the disease. ये नहीं बताते कि disease क्या है, but ये बोलते हैं, समझा देते हैं कि बीमारी है. तो डॉक्टर के पास जाना एडवाइजेबल होता है ताकि हम बीमारी का क्या कर सके, टेस्ट करा सके. पर्टिकुलर लेबोरेटरी टेस्ट होगा तो हम कंफर्म भी कर सकते हैं डिजीज को. नेक्स्ट क्वेश्चन टू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोर एंड प्लीजिंग. इनमें से कौन सी अगर सिम्टम्स आएंगे या कौन सी बीमारियां होंगी तो आपके ज्यादातर इफेक्ट्स क्या ऑन प्लीजेंट. ये क्वेश्चन अभी भी हमने भी एमसीक्यू में भी देखा था. तो उसका आंसर पढ़ेंगे कोई. अगर मान लो किसी को जॉन्डिस हो तब अनप्लीजेंट इफेक्ट आएंगे, या किसी को जुआ हो जाए बालों में सर में, या किसी को फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाए तब ज्यादा अनप्लीजेंट होगा. तो रीड इट, एनी वन ऑफ यू विल रीड द आंसर. Our body will not be affected by lice and acne very much, but in case of jaundice, there will be several long-lasting effects. For example, first, high temperature, headache and joint pain. Second, feeling of nausea and vomiting. Third, initiating rashes. The patient will suffer from poor health and will recover by taking the suitable treatment and complete bed rest. गुड. तो इसमें क्या होगा, ज्यादा जॉन्डिस का अगर हो गया तो बहुत तेज फीवर होगा, हेडेक होगा, जॉइंट पेन भी होगा और उल्टी जैसा भी लगेगा, वॉमिटिंग जैसा लगेगा, रैशेस भी हो सकते हैं बॉडी पे. ये सब जॉन्डिस के सिम्टम है. पेशेंट को पूर हेल्थ हो जाएगी और बहुत टाइम भी लगेगा उसको ट्रीट होने में, कंप्लीट बेड रेस्ट भी लेना पड़ेगा. तो जॉन्डिस से इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है. अब क्वेश्चन वन है, why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are sick? हमें क्यों ऐसा बोला जाता है बिल्कुल सादा और
उबला हुआ खाना खाओ, तक जब हम कभी सिक होते हैं तो हमको इस तरह का खाना क्यों देते हैं? आंसर पढ़ेंगे, कोई एक बच्चा आंसर पढ़ेगा। All the normal functions of the body get disturbed in case illness. So a nourishing food is required, which is easily digestible and contain all the nutrients. This is the main reason that bland and nourishing food is advised to take during sickness. All the normal functioning body की क्या हो जाती है, disturb हो जाती है illness के वक्त। So food, nourishing food required होता है जो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए, कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स। दिस इज द मेन रीजन दैट ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड इज एडवाइज्ड टू टेक द सिकनेस के दौरान। इसीलिए अच्छा डाइजेस्टेबल हल्का खाना, नरिशिंग खाना खाना चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट मींस बाय व्हिच इंफेक्शियस डिजीजेस आर स्प्रेड? कौन से ऐसे तरीके जिनसे इंफेक्शियस डिजीज स्प्रेड होती हैं? इंफेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड बाय डिफरेंट मींस, दीज आर फर्स्ट थ्रू एयर। An infected person, when sneezes or coughs, release droplets containing germs which infect another healthy person through air, and microbes enter a new body, for example, common cold, pneumonia, and tuberculosis. Second, through water. तो इसमें लिखा हुआ है infectious disease तरह तरह के तरीकों से फैलती हैं, जैसे कि हवा से फैल सकती हैं, जब कोई पर्सन छींक रहा है, खांस रहा है, उसके मुंह से नोज से ड्रॉपलेट्स निकल सकती हैं जिनमें जर्म्स हो, और अगर वो कोई हेल्दी पर्सन सूंघ लेगा या उसके सांस में चली जाएं तो उनको भी हो जाएंगी। कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस ऐसे ही फैलती हैं, और थ्रू वाटर, पानी से भी कुछ बीमारियाँ फैलती हैं। एंड कंटेमिनेटेड वाटर विल इन्फेक्ट मैनी पीपल, मेक देम इल। पानी अगर खराब पानी पी लिया, सही हमें पता नहीं, अच्छा पानी नहीं था और हमने पी लिया, तो क्या हो सकता है कि हमको कॉलेरा, मबासिस, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां पानी के थ्रू आती हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, किसी भी डिजीज, किसी भी ऐसे पर्सन से कॉन्टैक्ट में आ गए, क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट में, के दूसरे के वायरस या फिर कोई ऐसी बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स किसी दूसरे पर्सन को चली गई, या किसी का ब्लड इन्फेक्शन हो गया, तो उससे एड्स, सिफिलिस जैसी सेक्सुअल एसटीडीज आ सकती हैं। वेक्टर के थ्रू, ठीक है, वेक्टर के थ्रू क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं विच एक्ट एज इंटरमीडिएटरी और वेक्टर्स फॉर अ पर्टिकुलर डिजीजेस, जो बस ट्रांसफर करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे मक्खी, मच्छर, वो भी फैला सकते हैं बीमारियों को। एक ह्यूमन को खून पीकर दूसरे ह्यूमन में जाते हैं तो उससे मलेरिया फैला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप क्या प्रिकॉशंस लोगे आपके स्कूल में ताकि रिड्यूस हो जाए इंफेक्शियस डिजीज का इंसिडेंस? जैसे अब कोरोना सब चीज था, तो कोरोना के इंफेक्शन बचाने के लिए क्या बोला था हमने, सैनिटाइजर्स लेके आना है, मास्क पहन के आना है, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कम बच्चों को स्कूल आना है ताकि सब लोग दूर दूर रहें, और मास्क हमेशा सब प्रॉपरली वेयर। तो ऐसा ही अगर मान लो क्वेश्चन आया कि कोई भी बीमारी का इंसिडेंस आपको रोकना है, फैलने से रोकना है, तो क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो? तो नीचे मुझे बताइए रीड करके कौन कौन से प्रिकॉशंस। टू प्रिवेंट द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन इन स्कूल, फॉलोइंग प्रिकॉशंस कैन बी टेकन। First one is avoid contact of students suffering from airborne disease like common cold, cough, eye, flu, etc. Second, by checking the availability of clean drinking water in school. Third, clean surroundings in school will not allow the growth and multiplication of vectors. And the last one is starting childhood immunization programs in school. So, ye sab cheeze ho sakti hai, immunization चाइल्डहुड प्रोग्राम स्कूल्स में ही शुरू हो जाएं, जैसे अभी हमने भी सोचा वैक्सीन स्कूल में लगवा दें, क्लीन सराउंडिंग्स रखें आसपास अपने, ग्रोथ नहीं होने दें किसी भी मक्खी मच्छरों की, चेक करें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्लीन होना चाहिए स्कूल का। ये सब चीजें क्या हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस, ठीक है। ऐसे बच्चों के कॉन्टेक्ट में कम आए जिनको ऑलरेडी जुकाम बुखार हो रहा है, तो
क्योंकि उनसे आपको भी हो सकता है तो थोड़ा कांटेक्ट में कम आए या खुद ही छुट्टी कर लें। अगर आप हमको बुखार है तो हमको छुट्टी कर लेनी चाहिए ताकि हम किसी और के कांटेक्ट में ना आए, समझ रहे हो, जिससे एयरबॉर्न बीमारियां, कोल्ड कफ ये सब नहीं हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? यस मैम। इम्यूनाइजेशन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, रीड इट। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? Immunization is a process of administration, means injecting of vaccine into a healthy person in order to develop immunity against disease. Immunity means the ability of a body to recognize, destroy and eliminate external disease causing agents. Immunization का मतलब होता है कि administer करना, inject करना vaccine healthy person में लगाना, जैसे कि अभी कोरोना की vaccines लग रही हैं, और ताकि उसके खिलाफ हमारे अंदर इम्यूनिटी बन सके। इम्यूनिटी क्या करती है, बॉडी की एबिलिटी होती है, एक ऐसी बॉडी का एक सिस्टम है पूरा जो कि फॉरेन या बाहर के कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अंदर आते हैं तो उनको पकड़कर, उनको रिकॉग्नाइज करके उन्हें खत्म करता है, एलिमिनेट कर देता है, एक्सटर्नल डिजीज भगा देता है एजेंट्स। क्वेश्चन फाइव, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर? आपके हेल्थ सेंटर पास के हॉस्पिटल में या फिर आपके क्लिनिक है कोई पास में, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं हर तहसील और ब्लॉक्स में, वहां पर जहां पर सरकारी अस्पताल भी होते हैं, वहां पर कौन से प्रोग्राम्स ऐसे चल रहे हैं आपकी सोसाइटी में, लोकेलिटी में, जो बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं? ये क्वेश्चन है, तो आंसर बताइए इसका, रीड द आंसर, टेल मी द आंसर। द फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन आवर लोकेलिटी। फर्स्ट, इम्यूनाइजेशन फॉर इन्फेंट्स, ओपीटी, बीसीजी, पोलियो, मिसल्स एंड एमएमआर। फॉर चिल्ड्रन, टाइफाइड, टेटनस, DT, smallpox and TAB. For pregnant women, TT and hepatitis B. The diseases like typhoid, polio, measles and tetanus are the major health problems in our locality. To prevent these diseases, our government have initiated expanded immunization program all over the country. इसमें हमने पढ़ा कि ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, उनके नाम दिए हुए, कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बीसीजी का इंजेक्शन लगता है, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, मीजल्स और एमएमआर की वैक्सीन लगती है छोटे बच्चों की, इन्फेंट्स की, ओपीटी का, ओपीटी नहीं होगा ये क्या होगा, कल बताया था डीपीटी होगा, ओपीटी वह मिसप्रिंट है, इट विल बी अ डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस, ठीक है, डीपीटी का टीका, इम्यूनाइजेशन, तो डीपीटी लिख लेना है इसको, इसको ओ की जगह क्या बनाना है, डी बनाना है, डीपीटी। एंड टाइफॉइड चिल्ड्रंस में, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो टीटी का लगता है, टेटनस टॉक्साइड का, टाइफॉइड का लगता है, डिप्थीरिया का लगता है, डीटी और स्मॉल पॉक्स और टीएबी का लगता है, ठीक है, ये सब लगते हैं चिल्ड्रंस में। प्रेग्नेंट वुमेन में दो लगते हैं, टीटी का टीका लगता है और हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ओके, तो डिजीजेस लाइक टाइफाइड, पोलियो, मीजल्स, टेटनस आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन आवर लोकेलिटी। डिजीजेस ऐसी हैं जो टाइफाइड, टेटनस है, ये लोकेलिटी में बहुत फैली हुई होती है, मेजर प्रॉब्लम होती है लोकेलिटी की, तो इन डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूरी कंट्री में फैलाना पड़ता है। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन लास्ट वन ईयर, वेयर व्हाट वर द इलनेसेस, थिंक ऑफ वन चेंज दैट यू कुड मेक इन योर हैबिट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड वन ऑफ आवर अबव इलनेस, थिंक वन चेंज दैट यू वुड विश इन योर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ द मोस्ट ऑफ द अबव इलनेसेस। ठीक है, आंसर्स पढ़ो इसके, इसमें आपके बारे में भी। I fell ill twice in the last one year. The disease I first suffered from was diarrhea and secondary the dengue fever. The changes I brought in my habits after suffering from these diseases to protect myself
in near future are. First, I will always drink clean, pure water and wash hands before eating anything. Second, I will live in clean surroundings where disease spreading vectors could not multiply. For example, mosquitoes. Pure drinking water should be available always. The intake of impure water is a main cause of many infectious diseases. मैंने देखा कि यहाँ पर बताया है कि दो बार बीमार पड़े हैं लास्ट वन ईयर में, और फिर एक बार डायरिया हुआ था और एक बार डेंगू फीवर. तो फिर बाद में बताया क्या चेंजेस लाएंगे. चेंजेस हम हैबिट में लाएंगे कि सफरिंग करने के बाद हम अपने नियर फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को कि दोबारा से ना सफर करें, और हम हमेशा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्योर वाटर पियेंगे और अपने हाथों को धोएंगे खाना खाने से पहले, एंड क्लीन एनवायरमेंट में रहेंगे यहाँ पर डिजीज के वेक्टर्स ना हो, मक्खी मच्छर ना हो, प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, एंड प्योर वाटर ही बिना इन्फेक्शस के डिजीज वाला पानी, क्योंकि इन्फेक्शस ज्यादातर पानी से फैलते हैं, इसलिए पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए. इज इट क्लियर? यस मैम. है कि कोई डॉक्टर है या नर्स है, हेल्थ केयर वर्कर है, वो ज्यादा एक्सपोज होती है इन्फेक्शन से, तो वो अपने आप को कैसे बचाती होगी इन्फेक्शन होने से? तो रीड द आंसर. कैसे कोई डॉक्टर या नर्स अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं बीमार होने से? फर्स्ट, गेट इम्यूनाइजेशन डन अगेंस्ट ऑल द इन्फेक्शियस डिजीजेस. सेकंड, टेक बैलेंस्ड डाइट रिच इन प्रोटींस स्पेशली टू स्ट्रेंथन देयर इम्यून सिस्टम. Third, dispose of blood samples, urine or stool, sputum, etc. carefully. Fourth, wear mask while diagnosing mouth or chest infection. After we started, so can we leave? Which will be kept by the nurses and doctors. And there are conducting survey question is there. 2-3 questions are there. Let me finish it. So, agar ek survey kiya jaye neighborhood mein pata karne ke liye common diseases kya hai, to 3 step bataiye ki jo local authorities lengi taki wo diseases kam ho jaye. Common survey mein 3 diseases pai gayi. Mosquito se phailne wali, to wo mosquito ko grow hone se bachaye. Pure drinking water available karaye. चौथा, डॉक्टर और नर्स हेल्थ केयर वर्कर अभी भी सिक होके रुकी है तो उसको अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर नर्स हेल्थ केयर वर्कर को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वियर करना चाहिए मास्क को, चेस्ट इन्फेक्शन से बचना चाहिए, अपने हाथों को धोना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, इम्यूनाइजेशन लेनी चाहिए, डिजीजेस के बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ब्लड सैंपल्स को सही से फेंकना चाहिए, कंडक्ट सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट 3 कॉमन डिजीजेस. एंड क्या काम करेगी गवर्नमेंट? तो आई कंडक्ट अ सर्वे. 3 मोस्ट कॉमन डिजीजेस टाइफॉइड है, ठीक है, सिम्टम्स जिसके हेडेक फीवर होते हैं, सेकेंड वीक में ज्यादा कम होने लगता है ये. फर्स्ट स्टेप होते हैं हाइजीन रखो अपने चारों तरफ, और सेफ डिस्पोजल करो वेस्ट का, और टैब की या टाइफॉइड की ओरल वैक्सीन लो. कॉलेरा के लिए पेनलेस वाटरी डायरिया होता है, इससे वॉमिटिंग भी होती है. गुड सैनिटरी कंडीशन रखो अपने, तो वॉशरूम्स अच्छे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, क्लीन प्योरिफाइड वाटर मिलना चाहिए. कॉलरा की वैक्सीन लगवा सकते हैं. डेंगू फीवर के लिए हाइजीनिक कंडीशन रखो अपने आसपास, और मॉस्किटो को नहीं ग्रो होने दो. पब्लिक अवेयरनेस रखो मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस की. बेबी है जो सही से अपना ध्यान नहीं रख पा रहा, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे? उसकी आंखें लाल हो सकती हैं, आंखें बंद होने लगेंगी, रोने लगेगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा. सिकनेस क्या है? हाई फीवर, हेडेक, मस्कुलर पेन, शिवरिंग और कोल्ड मलेरिया का इंडिकेट करता है. लूज मोशन, स्टमक पेन और इंडिकेट करते डायरिया को. रेडनेस, रबिंग ऑफ आईज से आई फ्लू हो सकता है. पेल